नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, हम सब परिवार में रहते हैं। आपको पता है, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, यह एक परिवार बनाते हैं। कुछ परिवारों में तो दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताया ताई, बुआ, यह सभी इकट्ठे रहते हैं। ऐसे परिवार को हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं या संयुक्त परिवार भी कहते हैं, राइट? एक बड़ा परिवार। आपको पता है कि जो नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। बच्चों, इन सभी शब्दों में दादा, पिता, भाई, नाना, यह सभी पुरुष जाति के शब्द हैं। उसी प्रकार दादी, नानी, माता, बहन, यह सभी स्त्री जाति के शब्द हैं। ओके, तो जो शब्द हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द हम पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, और स्त्रीलिंग हम स्त्री जाति के लिए प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग जाति जैसे दादा, पिता, राजा, उसी प्रकार बैल, मोर, शेर, यह सभी शब्द पुल्लिंग शब्द है, राइट? उसी प्रकार स्त्रीलिंग के शब्द कौन से हुए? दादी, नानी, माता, रानी, गाय, गाय, मोरनी, शेरनी, यह सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है? चलो हम कुछ और उदाहरण देखते हैं और उदाहरण करते हैं। जैसे लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। पिता पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? माता। भाई, बहन, बेटी, बेटा, बेटी, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बुढ़िया, मामा, मामी, मुर्गा, मुर्गी, मौसा, मौसी। तो यह कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की लिस्ट है मैंने आपको दी है। इसी प्रकार आप और शब्द भी लिखेंगे जो मैं आपको PDF द्वारा भेज रही हूँ, तो उन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में करेंगे, सुंदर सुंदर लिखावट में लिखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। ऑलराइट, तो आप सभी अपना काम अच्छे से करिए, सुंदर लिखावट में करिए। तब तक के लिए आप सबको आरती मैम की प्यार भरी नमस्ते, धन्यवाद।